राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर चढ़ते पारे से लोग परेशान हैं। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर ये है कि मौसम की ये गर्माहट ज्यादा दिन की नहीं है। सोमवार यानी 27 जून से एक बार फिर दिल्ली में मौसम में बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक 27 जून से राजधानी में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। दिल्लीवासियों के लिए मौसम एक बार फिर सुहाना हो जाएगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद 29 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 28 और 29 जून को दिल्ली में लगातार बारिश रहने के बाद 30 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 30 जून को दिन भर मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 जून से मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी और आगे भी मौसम यूं ही बना रहेगा। IMD के अनुसार 1 जुलाई को भी दिल्ली में तेज बारिश रहेगी और दिन भर मौसम खुशनुमा रहेगा। बारिश को देखते हुए दिल्ली यातायात विभाग को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। नवद टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।